हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे प्लीटेड कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुर्ती की चोली को कट करेंगे। तो पूरे अर्ज का मैंने यहाँ पे 17 इंचिस का कपड़ा कट कर लिया है, जिसको कि मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। तो हम यहाँ पे फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों कट करेंगे अपनी चोली की। चोली की लंबाई मैं 16 इंचिस रेडी रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 17 इंचिस का यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया है, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ है और हाफ इंच का मार्जिन नीचे की तरफ है। तो हमारे यहाँ पे 16 इंच चोली रह जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे अपना शोल्डर कट करेंगे 7 इंचिस, क्योंकि यहाँ पे हम बॉट नेक डिज़ाइन करेंगे, तो इसलिए मैंने 7 इंचिस लिया है। और नीचे से हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंचिस, और अपने शोल्डर्स की लंबाई मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचिस। और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद गाइस, जितनी आपकी फिटिंग है यहाँ पे, आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लें और सीम अलाउंस ऐड कर लें। और नीचे जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें और एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड कर लें। और यहाँ पे देखिए, इन निशानों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे अपनी कमर में 1 इंच या 1.5 इंच की यहाँ पर ऐसे गोलाई देंगे। ये गोलाई बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद ऊपर की तरफ हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप देंगे और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों की कटिंग करेंगे, सॉरी निशान लगाएंगे, लेकिन कटिंग हम बैक आर्म होल से कट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों कट कर रहे हैं, इसलिए हम बैक की कटिंग करेंगे। और जब फ्रंट की कटिंग करेंगे तो एक पोर्शन को निकाल देंगे और नीचे से ही अपनी कमर में यहाँ पे ऐसे गोलाई दे देंगे। और उसके बाद इन दोनों पोर्शन को मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है, और ये मेरा फ्रंट का है और ये मेरा बैक पोर्शन है। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये हमारी गोलाई हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे का पोर्शन यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रेट पीस यहाँ पे कट कर लिए हैं और पूरे अर्ज के मैंने यहाँ पे कट किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए, 2 पोर्शन मैंने फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिए हैं। इनकी लंबाई गाइस हम यहाँ पे कैसे कट करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने फुल अर्ज की यहाँ पे कट कर ली है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम प्लेट्स डालेंगे तो ये सारा कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो अपनी लंबाई को रेडी करना है वो देखिए हम कैसे करेंगे। जितनी हमारी ये देखिए चोली है, पहले हम चोली को चेक करेंगे। तो 17 इंचिस की कट की है, लेकिन 16 इंचिस हमारी रेडी हो गई है। तो हम 16 इंचिस अपने इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे, जहाँ पे हमारा कपड़ा है 16 इंचिस ऊपर की तरफ रखा है। और 44 इंचिस की हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए और नीचे 2 इंच का मार्जिन हमने फोल्ड करने का रखा है। तो ऐसे करके आप अपनी कुर्ती की लंबाई निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो अर्ज हमने लिया है पूरे कपड़े का, यहाँ पे हम प्लीट्स डालेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने नॉर्मली की है, और ये देखिए नीचे से हमने 5.5 इंचिस रखा है और ऊपर की तरफ 3 इंच पे यहाँ पे गोलाई कर दी है। और उसके बाद हम नीचे से लैस लगाएंगे यहाँ पे अपनी स्लीव्स के ऊपर और नॉर्मल इसको रेडी कर लेंगे। तो हमारी कुर्ती की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए अपना नेक डिज़ाइन करेंगे। जो नेक मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगी, उसकी डिटेल वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ गाइस। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लें। यहाँ पर मैंने आपको नेक की ओनली डिज़ाइनिंग दिखाई है, कटिंग नहीं दिखाई है। और जो मैं डिज़ाइनिंग भी दिखा रही हूँ वो भी मैं थोड़ी स्पीड से दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से इस नेक की वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हमने नेक के कपड़े को अंदर से कट कर लिया है, छोटे छोटे कट देंगे और इस नेक को उल्टी तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए, नेक फोल्ड कर लिया है और जो ये हमारी वी शेप है, यहाँ पर हम लैस को स्टिच करेंगे। अच्छे से अपनी वी शेप में यहाँ पे लैस को स्टिच कर लें। और स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैंने टॉप नेक, जो हमने इस नेक के ऊपर एक और नेक लगाना है, उसकी हमने कटिंग की हुई है।
और उसको हम एक कपड़े के साथ यहाँ पे बना लेंगे। और बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर इस नेक को यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो गाइज़ एक बार और बता दूँ कि इसकी डिटेल्ड कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें। और उसके बाद ये नेक हमारा बन चुका है। नेक बनने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। कपड़ा कट करने के बाद छोटे छोटे कट देंगे और इसको प्रेस के साथ यहाँ पे ऐसे अच्छे से बिठा लेंगे और साइड से फोल्ड कर देंगे। नेक हमारा यहाँ पे बैठ चुका है। बैठने के बाद साइड में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगाएं ताकि जो हमारी शेप है वो इक्वली बनी रहे। और ये शेप हमारी बन चुकी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। जो ये मार्जिन हमारा बचा हुआ है इसको हम कट करेंगे और कट करने के बाद अपने नेक के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के बाद हम अपने इस नेक को जो हमने कुर्ती पे नेक बनाया है उसके ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे। तो हमारा बोट नेक भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा और बोट नेक के साथ नीचे की तरफ वी शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस नेक को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमारा नेक है वो बनके तैयार हो गया है। और कि पहले एक साइड से इसको स्टिच कर लें ताकि जो हमारा नेक है वो छोटा या बड़ा ना हो। उसके बाद देखिए गाइज़ ये नेक हमारा रेडी हो गया है। नेक रेडी करने के बाद हम नीचे की तरफ इसके किनारे किनारे के ऊपर भी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगने के बाद हम यहाँ पे जो अपनी चोली के नीचे का पार्ट है उसको रेडी करेंगे। यहाँ पे नेक रेडी हो गया है और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए अपनी चोली को ऐसे रखेंगे और जो नीचे का पोर्शन हमने कट किया है सबसे पहले उसको ऐसे खोल लेंगे और खोलने के बाद यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे। और जो हमने कट लगाया है और नीचे वाले कपड़े के सेंटर को और चोली के सेंटर को यहाँ पे मिला के रखेंगे और हाफ पोर्शन में हम बल का फेस एक तरफ करेंगे, बलों का फेस, और हाफ पोर्शन में बलों का फेस उनके सामने करेंगे। तो यानी बल जो आमने सामने डलने चाहिए हाफ हाफ पोर्शन में। तो ऐसे करके आप बल डालें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, मैंने बैक पोर्शन को रेडी कर लिया है। देखिए बलों का फेस एक दूसरे के सामने है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपने बैक नेक को कट करेंगे और नेक कट करने के बाद शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे और साइड से हम फिटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए बैक नेक में यहाँ पर बैक नेक बना दिया है, शोल्डर्स जॉइंट कर दिए हैं और साइड से इसको फिटिंग भी दे दी है। और बलों का फेस देखिए एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। और उसके बाद नीचे से मैंने कपड़े को भी फोल्ड कर दिया है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद मोस्ट ऑफ हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। तो अब आती है बारी यहाँ पर स्लीव्स की। तो स्लीव्स को हम देखें यहाँ पर कैसे रखेंगे, ऐसे सीधा रखना है और लेस को यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रखना है। उल्टा करने के बाद एक फोल्ड करेंगे और दूसरे फोल्ड को इस लेस के बिल्कुल ऊपर देंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये जो लेस है हमारी वो अंडरग्राउंड यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। और ऐसे करके मैं स्टिच करके दिखाऊंगी आपको लेस। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। स्लीव रेडी करने के बाद हम इसको साइड से फिटिंग कर देंगे और फिटिंग करने के बाद अपनी कुर्ती के अंदर इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। तो अभी रेडी करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी ड्रेस यहाँ पे कैसे रेडी हुई है। तो अगर आप प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड देन गाइस बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एनी डाउट्स गाइस सो यू कमेंट मी। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएँ।